हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्राइबर के बारे में कि स्क्राइबर क्या होता है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, इन सभी पर आज हम इसका थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम स्क्राइबर क्या होता है और क्यों हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके स्क्राइबर की डेफिनेशन के बारे में। डिस्क्राइबर स्क्राइबर जो होता है हमारा, स्क्राइबर इज ए मार्किंग टूल, इट इज़ यूज्ड इन वर्कशॉप फॉर मार्किंग ऑन जॉब। तो दोस्तों, जो स्क्राइबर है वो एक मार्किंग टूल है और इसका यूज़ हम करते हैं वर्कशॉप में, जो हमारी वर्कशॉप जिसमें हम काम करते हैं, कोई भी जॉब बनाते हैं, कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, उस पर जो हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जब अपनी बुक पे, कॉपी पे, कहीं इसी पर लिखते हैं तो आप पेंसिल और पेन का यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो हम वाइट बोर्ड मार्कर का यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो हम चॉक का यूज़ करते हैं। सेम उसी प्रकार से जब हम कभी भी अपनी वर्कशॉप में मेटल के ऊपर कुछ हमें लिखना होता है तो उसके लिए हम स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्क्राइबर जो है वो हमारा एक मार्किंग टूल है और इसको हम जॉब पर मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो मटेरियल है, इट इज़ मेड बाय हाई कार्बन स्टील। ये जो है हमारा, ये हाई कार्बन स्टील का बनाया होता है एंड इसके पॉइंट जो होता है इसका, उसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और इसका जो पॉइंट का एंगल होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 12 से 15 डिग्री, 10 से 15 डिग्री लगभग, इतना इसको पॉइंट के एंगल, इसका जो पॉइंट का एंगल होता है उसको इस डिग्री पे ग्राइंड किया हुआ होता है। तो उसके बाद दोस्तों, इसकी बात करते हैं इसके पार्ट्स के नाम के बारे में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बेंट स्क्राइबर की फिगर मैंने दिखाई है आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेंट स्क्राइबर है। आगे मैं बताऊंगा इसके पार्ट्स के बारे में। तो देखेंगे आप यहाँ से, मैं देखेंगे इसका ये जो एंगल की टिप है यहाँ पर, ये 90 डिग्री पे मुड़ी रहती है इसकी। ये इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी में यहाँ पर ये नर्लिंग की हुई होती है। नर्लिंग दोस्तों इसलिए कहते हैं, इससे कि नर्लिंग करने से हमारा ये जो है ये ग्रिपिंग मजबूत होती है, इससे हम ग्रिपिंग करने के लिए नर्लिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा ये पॉइंट रहता है जहाँ से हम कोई भी सरफेस पे लिखना है, कुछ मार्किंग करना है तो यहाँ से फिर हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्क्राइबर के बारे में। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ स्क्राइबर जो हमारे मेन मेन जो स्क्राइबर्स हैं वो मैं पहले सबसे पहले बताऊंगा आपको, स्ट्रेट स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर का बेंट स्क्राइबर, पॉकेट स्क्राइबर एंड ऑफसेट स्क्राइबर। तो दोस्तों, ये तो है हमारे टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। अब मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा एक एक स्क्राइबर के बारे में कि जो हर एक स्क्राइबर का क्या काम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट स्क्राइबर। आप ये देख रहे हैं हमारा, ये जो है स्ट्रेट स्क्राइबर है और जनरली हमें अपनी जॉब पर मार्किंग करनी है, लाइनें खींचनी है, कुछ भी लिखना है तो उसके लिए हम जनरली इस स्ट्रेट स्क्राइबर का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेंट स्क्राइबर। तो दोस्तों, बेंट स्क्राइबर आप देखेंगे यहाँ से, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका जो है एंगल यहाँ पे, ये 90 डिग्री मुड़ा हुआ होता है और पूरा यहाँ से स्ट्रेट रहता है, यहाँ पर बॉडी पर इसकी नर्लिंग की होती है। तो दोस्तों, इसका यूज़ क्या है? तो दोस्तों, ये ज़्यादातर जो हमारा यूज़ होता है सरफेस गेज के साथ, हम लेथ मशीन में जब अपनी जॉब को सेंटर पे फिक्स करते हैं तो उसके साथ हमारा ये जो बेंट वाला पॉइंट है ये यूज़ किया जाता है। तो बेंट स्क्राइबर जो है हमारा वहाँ पर यूज़ करते हैं। और भी जो है हमारा, कभी कोई सिलेंड्रिकल जॉब की इंटरनल मार्किंग, अगर आपको अंदर मार्किंग करनी है, कोई सिलेंड्रिकल होल है तो वहाँ पर हम ऐसी सिचुएशंस में बेंट स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं ऑफसेट स्क्राइबर। तो दोस्तों, ये जो ऑफसेट स्क्राइबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्राइबर है। कई बार कई क्वेश्चंस एग्जाम्स वगैरह में आया था कि ऑफसेट स्क्राइबर है वो कहाँ पर लगा होता है और वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो हमारा, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये ऑफसेट स्क्राइबर है और ये हमारा वर्नियर हाइट गेज, अगर जो वर्नियर हाइट गेज रहता है उसके आगे पॉइंट में जो डॉक जो पॉइंट लगा होता है वो ये ऑफसेट स्क्राइबर लगा हुआ होता है। कई बार वर्नियर हाइट गेज पर स्ट्रेट भी लगा होता है, ये हमारा इस पोजीशन में रहेगा तो ये हमारा रहता है ऑफसेट स्क्राइबर। ये हमारा यह है, इसको भी सेम वही एंगल्स रहते हैं, ये हमारा वर्नियर हाइट गेज पे इसको लगा के हम इसकी फिर मार्किंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वर्नियर हाइट गेज के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप उसको वर्नियर हाइट गेज के बारे में भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ऑफसेट स्क्राइबर होता है, हमारा वर्नियर हाइट गेज पर लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं पॉकेट स्क्राइबर की। पॉकेट स्क्राइबर देखो, जैसे कि आप पेन है आपकी, पेन पेंसिल मार्कर को हम अपने पॉकेट में रख लेते हैं, कुछ सेम इसी तरह से होता है ये भी।
ये जो हमारा पॉकेट स्क्राइबर, इसको हम अपनी पॉकेट में रख के इजिली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, कभी भी जो स्क्राइबर है हम अगर पॉकेट या कहीं पर रखते हैं तो इसकी कैप होती है, कॉर्क इसको बोलते हैं, वो ज़रूर लगा के रखनी चाहिए, वरना आपके कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके यूज ऑफ स्क्राइबर, स्क्राइबर का यूज़ क्या होता है। स्क्राइबर का यूज़ दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि हम जॉब पर मार्किंग करते हैं, तो आप अभी ये इमेज में देखेंगे, यहाँ पर ये इमेज में इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ मार्किंग करनी है, कुछ खींचना है अपनी वर्कशॉप पे, जैसे वर्क पीस है आपका इस पर, तो उसके लिए हम ये स्क्राइबर का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा मैंने आपको अभी फिगर में बताया था ऑफसेट स्क्राइबर, आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये स्क्राइबर है, इस तरह से हमने वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग की है, और जो वर्नियर हाइट गेज होता है दोस्तों हमारा मार्किंग और मेजरिंग दोनों में काम होता है, मार्किंग भी करते हैं और किसी भी कंपोनेंट की हाइट को मेजर करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों स्क्राइबर का ये यूज होता है हमारा, किसी भी जॉब में मार्किंग हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हम ये स्क्राइबर की लाइनें खींचने के लिए हम स्क्राइबर का यूज करते हैं। इस तरह से सिंपल स्क्राइबर और ये हमारा वर्नियर हाइट गेज में हमने ऑफसेट स्क्राइबर का यूज किया है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसके स्क्राइबिंग के एंगल का, जो हमारा स्क्राइबिंग का जो एंगल होता है वो किस पोजीशन पे हमें जो एंगल है वो कितनी पोजीशन पे करना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये एंगल बनाया हुआ है हमने स्क्राइबर और इसके बीच में जो हमारा यहाँ से जो जितना ये झुकाव है जिसका ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों बताऊंगा आपको, जो ये एंगल है, एंगल ऑफ स्क्राइबिंग इज 30 to 35 degrees तक हमारा इसका एंगल, ये झुकाव का जो एंगल है वो होना चाहिए, 30 से 35 degrees तक हमारा इसका एंगल होता है। सो दोस्तों ये तो था अभी जो मैंने बताया आपको, ये सभी कुछ स्क्राइबर के बारे में था। अब बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है कि आप जब स्क्राइबिंग करते हैं तो स्क्राइबिंग करते टाइम आपको जब स्क्राइबर से मार्किंग कर रहे हैं उसको स्क्राइबिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसी प्रोसेस में जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सेफ्टी। तो सेफ्टी आपको लिए दोस्तों एक क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में, आपका एक क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में उसको लिख के बता सकते हैं कि आप जब स्क्राइबर का यूज़ करेंगे तो स्क्राइबर के यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइए कि स्क्राइबर की जो हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। सो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और अभी चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।